हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक छोटी सी अपडेट थी नेशनल मेडिकल कमीशन के वेबसाइट पे, जहाँ पे नए कॉलेजों को इस साल ऐड किया गया है, यानी MBBS के बहुत सारे नए कॉलेजेस को ऐड किया गया है जिससे अप्रूवल मिला है। और इससे आपको बता दें कि बहुत सारे सीटों में वृद्धि होगी और आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नेशनल मेडिकल कमीशन के वेबसाइट पे हूँ और आप यहाँ पे रिज़ल्ट देखते हैं कि 595 टोटल कॉलेजेस हैं और लगभग सीट्स जो हैं वो 88,370 सीट्स अब जो है मेडिकल के लिए हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस होंगे। तो आइए बात करते हैं कि इस बार 2021 में कितने नए कॉलेजों को अप्रूवल मिला है। देखिए यहाँ पे है ईयर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेज, यानी किस ईयर में जो है कॉलेज का इंस्पेक्शन हुआ है। तो जैसे इस पे आप देख सकते हैं 1835, यानी पुराने कॉलेजेस को टॉप में रखा गया है। अगर यहाँ पे एक बार और अप क्लिक करेंगे तो 2021 का डेटा आपको आ जाएगा। तो 2021 में कौन से कॉलेजेस के अप्रूवल मिले हैं और यहाँ पे कितने सीट्स हैं टोटल, यहाँ पे स्टेटस ऑफ MCI रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं और डेट ऑफ LOP भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कि असम में, यानी स्टेट असम में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट है उसका स्टेटस, और इसमें सीट्स जो है लगभग 100 सीट्स हैं MBBS की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में, बिहार में लगभग 3 नए कॉलेजेस खुले हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट जिसमें 100 सीट्स हैं और 2 प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, जैसे कि राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और दूसरा श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। अभी इससे पहले की वीडियोज़ में हमने जो बात की थी, यानी बिहार के बारे में, उसमें 6 कॉलेजों के बारे में बताया था और अभी जो है 2 और प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपको सीधा सीधा फायदा होगा वो कट ऑफ में फायदा होगा। तो इधर आप देख सकते हैं बिहार में लगभग 3 कॉलेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 2 नए कॉलेजेस खुले हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट जिसमें 100 सीट्स हैं, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकर, और दूसरा है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ एंड साइंस आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, इसमें लगभग 150 सीट्स। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला है जिसमें 150 सीट्स हैं, और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी 2 कॉलेज खुले हैं जिसमें दोनों ही MBBS के लिए गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, 100-100 सीट्स के इंटेक हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में लगभग मणिपुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला है जिसमें 150 सीट्स हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लगभग एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला है जिसमें से 100 सीट हैं, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 2 कॉलेजेस हैं, एक है डॉक्टर SS तांतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जिसमें 150 सीट है, वो प्राइवेट है, और दूसरा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज अलवर, इस कॉलेज में भी ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें 100 सीट है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल की सीट्स अब अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट जो है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इस तरह से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है MBBS की सीटें अब अवेलेबल हो गई हैं, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट कॉलेज की यानी गवर्नमेंट सीट्स की बात करें। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी कई कॉलेजेस खुले हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि 9 ऐसे कॉलेज खुले हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसमें अच्छी खासी सीट है, लगभग 900 सीट तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रही है। तो ये खुशी की बात है और आप सबों के लिए खुशी की बात है कि इतने सारे कॉलेजेस अब ऐड हो गए इस साल, तो नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर। लास्ट में बात करते हैं 41वें नंबर पर, यानी 41 पे वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज खुला है जिसमें 150 सीट्स हैं। ये सारे कॉलेजेस के खुलने पर एक बात तो तय है कि आपके जो नीट के स्कोर हैं उसमें जो सीट मिलने की संभावनाएं हैं काफ़ी लोगों के बढ़ जाती हैं, यानी जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं आप, 88,370 टोटल सीट्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली आप यूँ समझिए कि 90,000 सीट्स हो जाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि कई सारे जो कॉलम्स हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं, यानी 150 के अप्रूवल है लेकिन इसमें 100 ये भी शो कर रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस के आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारे नए कॉलेजेस के बारे में छोटी सी अपडेट थी जो आपको देना था। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।